नमस्कार, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com। इस वक्त की खास खबर हाथरस के सैपऊ क्षेत्र से आ रही है। ये रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हम सभी आधार कार्ड का महत्व तो जानते ही हैं। आधार कार्ड हमारी पहचान दर्शाता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि पशुओं का भी आधार कार्ड होता है? जी हाँ, हम आपको आज बताते हैं। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में पशुओं का आधार कार्ड बनाने का अभियान हुआ शुरू। इसी के चलते सादाबाद के सैपव ब्लॉक में भी यह अभियान चलाया गया। जी, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं सादाबाद पशु चिकित्सालय पर पशुधन प्रसार अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, उसके तहत सभी प्रकार के पशुओं को घर घर जाकर कान में टैगिंग लगाई जा रही है, जो एक पीले कलर का बिल्ला है, जिसमें जैसे मनुष्यों में 12 रंग का डिजिट का जो आधार कार्ड है, ऐसे ही उनका वो जो टैग है वो उनका आधार कार्ड है। जैसे जो भी योजना होगी सरकारी या जो अगले महीने टीका लगेगा, वो सब उसी टैग को देखते हैं। अच्छा मैडम, कुछ इसका शुल्क भी लिया जा रहा है आपके स्तर से? कुछ कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। अच्छा, आपने सादा ब्लॉक में मैडम कितने ऐसी ग्राम पंचायतें में काम कर रहे हैं आप? 58 ग्राम पंचायतें सादाबाद में, जहाँ पर टीम बनाकर वैक्सीनेटर और सारे घर घर जाकर टैगिंग। अच्छा मैडम, इसका सुनने कंप्यूटर में कुछ हिसाब रखा जाए, कुछ ऐसा है क्या? जी, इसका एक ऐप बनाया गया है जो कि NADCP के तहत इनाफ ऐप है, जिसमें हम सारी डिटेल अपलोड करते हैं साथ के साथ। हाथरस एवं हाथरस के आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप tv30india के एंड्रॉयड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए tv30india को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।